मोहल्ले से यात्रा मांगता। नाम क्या है तुम्हारा? पठान मूवी में शाहरुख खान ने धमाकेदार वापसी फिल्म पठान का ट्रीजर शेयर कर रिलीज डेट का किया ऐलान। हल्की सी झलक दिखाकर शाहरुख ने अपने फैंस की एक्साइटमेंट को काफ़ी बढ़ा दिया है। देर से ही सही, लेकिन फिर भी एक बार बॉलीवुड के किंग खान पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हैं। हाल ही में पठान का ट्रीजर रिलीज करते हुए शाहरुख खान ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। साथ ही साथ एक हल्की सी झलक अपने लुक की भी दिखाई है। इस फिल्म में शाहरुख खान के किरदार का इंट्रोडक्शन दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने साथ मिलकर दिया है। हल्की सी झलक दिखाकर शाहरुख खान ने अपने फैंस की एक्साइटमेंट को काफ़ी बढ़ा दिया है। शाहरुख खान ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कमेंट में लिखा है, मानता हूँ थोड़ी देरी हुई, लेकिन इस डेट को याद रखिएगा। पठान का वक्त अब शुरू होता है, सिनेमा में मिलेगा 25 जनवरी 2023 को। बता दें, इस मल्टी स्टारर फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। यशराज बैनर के 50 साल पूरे होने पर शाहरुख खान की वापसी के साथ पठान को सेलिब्रेट किया जाएगा। शाहरुख खान का किरदार को इंट्रो देते हुए दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने चांद लाइनों में किंग खान की वापसी का ऐलान कर दिया है। जॉन अब्राहम ने कहा है, हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर इसके पास इनमें से कुछ नहीं था। दीपिका पादुकोण ने कहा, यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाली भी नहीं थी, अगर वो कुछ था तो बस यही ये देश इंडिया है। इन दिनों दोनों के बाद टीजर में फिर सुनाई देती है शाहरुख खान की आवाज़, जिसमें किंग खान कहते हैं कि तो उसमें अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया है और देश की रक्षा को ही अपना कर्म, और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते हैं। लेकिन यह नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मिलते हैं पठान से। इस ट्रेजर के साथ शाहरुख खान ने अपनी दमदार वापसी की एक झलक तो दिखा दी। तारीख का जब सिनेमाई घरों में शाहरुख खान के वापसी के परचम फिर लहराते नजर आएंगे, 25 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में तहलका मचाती दिखाई देगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान में देखा जाने वाला है। किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह बॉलीवुड को मेगा बजट फिल्मों में से एक होने वाली है। शाहरुख खान को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए देखा जाएगा। मुंबई में ओमिक्रॉन और COVID-19 के मामलों में गिरावट के साथ पठान, टाइगर 3 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शहर में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। एक विश्वसनीय स्रोत से सीखा है शाहरुख खान, खान जल्द ही अपना फिल्म पठान की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए सेट पर लौटेंगे, जिसमें फीचर भी दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे। सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख खान अगले 2 महीनों में पठान को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी स्थान की शूटिंग भी है और फिर निर्देशक एटली के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग के फिर से शुरू करने जा रहे हैं, जो अब लंबे समय से लंबित है। खान राजकुमार हिरानी की एक फिल्म भी है जिसे वो इस साल शुरू करना चाहते हैं। ये फिल्म कथित तौर पर प्रदर्शित होगी, लेकिन अभिनेत्री ने अभी तक इस विकास की पुष्टि नहीं की है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग मामले और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में फंसने के बाद शाहरुख ने अपनी फिल्मों और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं की शूटिंग बंद कर दी थी। हाल ही में खान को उन ब्रांड के नए विज्ञापनों में देखा गया जिनका उन्होंने वर्षों से समर्थन किया है, और सूत्रों का मानना है कि वो जल्द ही अपनी फिल्म की शूटिंग में भी लौट आएंगे। पठान मूवी एक आगामी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाएगा।
खान ने पठान के लिए चार्ज की इतनी मोटी फीस अक्षय कुमार और सलमान खान को भी पछाड़ा है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं आए दिन इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में पठान में शाहरुख खान की फीस को लेकर हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान ने इतनी तगड़ी फीस चार्ज की है कि वो बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अभी से ही देखने को मिल रही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके कई फैन क्लब इस फिल्म से जुड़े चौंकाने वाले दावे करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि फिल्म पठान में शाहरुख खान ने फीस के तौर पर 100 करोड़ चार्ज किए हैं, जिसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। स्टाफ बॉय की एक रिपोर्ट की माने तो फीस बढ़ाकर शाहरुख खान ने इस मामले में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे एक्टर्स को भी पछाड़ दिया है। हालांकि फीस को लेकर ना तो शाहरुख खान और ना ही फिल्म मेकर्स की ओर किसी तरह कोई ऐलान किया गया है। ऐसे में इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने काफ़ी मेहनत भी की है। बताया जा रहा है कि पठान के लिए शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा के सामने एक जबरदस्त एक्शन सीन शूट किया है। बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान भी धमाकेदार कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। इसकी शूटिंग मुंबई, दुबई और अन्य कई विदेशी लोकेशन पर भी हुई है। सलमान खान ने शाहरुख खान को बधाई देते हुए लिखा है, आज की पार्टी तेरी तरफ से। अपने नए OTT ऐप SRK+ के लिए इसी के साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अनाउंसमेंट पर कयास लगा रहे यूजर्स का अंदाजा भी यही साबित हो गया है। शाहरुख खान की स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके चाहने वाले शाहरुख खान को वापस पर्दे पर देखने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे एक्टर के एक रेड का भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं। खैर, अब शाहरुख खान फिल्म पठान से कम बैक करने को तैयार हैं। फिल्म से उनका पहला लुक सामने आ चुका है। पठान के अलावा शाहरुख खान अपने फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। जी हां, शाहरुख खान ने अपनी लेटेस्ट ट्वीट में इस तोहफे का हिट दिया है। SRS+ किंग कमिंग सून पोस्टर के साथ शाहरुख खान ने लिखा है, कुछ होने वाला है OTT की दुनिया में। इससे पहले कि शाहरुख खान अपने इस सरप्राइज का खुलासा करते, सलमान खान ने उन्हें बधाई देते हुए शाहरुख खान के नए OTT चैनल का राज खोल दिया है। सलमान खान ने शाहरुख खान को बधाई देते हुए लिखा है कि आज की पार्टी तेरी तरफ से नहीं OTT ऐप SRK+ की तरफ से। इसके साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अनाउंसमेंट पर कयास लगाए रहे यूजर का अंदाज़ा सही साबित हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म शुरू कर दी है। जैसा कि उनकी आने वाली फिल्म का नाम सुनाया गया है, पठान को दीपिका पादुकोण फिल्म में देखा जा सकता है, जिन्होंने अतीत में शाहरुख खान के साथ कई फिल्में की हैं। और दीपिका पादुकोण ने भी अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की शाहरुख खान से ही किया। शाहरुख खान की पहली फिल्म जीरो, जहां शाहरुख खान को अनुष्का शर्मा के साथ देखा गया था, वो बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई नहीं कर सकी। शाहरुख खान के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है जब वह उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से देखेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द ही अपनी बहुचर्चित फिल्म पठान के साथ आने वाले हैं। शाहरुख खान को आखिरी बार जीरो में देखा गया था तो इससे पहले शाहरुख खान जब हैरी मैन सीजनल में नज़र आए थे। साल 2018 में फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिए हैं। बीच में कोरोना के कारण शाहरुख खान की फिल्म का भी अटक गई थी।
अब शाहरुख खान के फैंस पठान के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अभिनेता के आर के कमाल खान ने शाहरुख खान की पठान के बारे में दो ट्वीट किए हैं। शाहरुख खान की फिल्म के बारे में के आर के ने कहा है, यस आर के ने पिछले 3-4 साल से कोई फिल्म नहीं की, इसीलिए मैंने सोचा कि अब वह एक शानदार कहानी लाने जा रहे हैं के बाद लोगों को काफ़ी प्रतिक्रिया आने लगी हैं। किसी ने कहा है कि कमाल और खान ने बिंदु की बात को पकड़ लिया है, तो शाहरुख खान का पक्ष लिया और कहा आप पर शर्म आ रही है, एक आदमी अपने काम को इतनी मेहनत से कर रहा है और आप इसे एक झटके में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म कबूतर के खाते में एक टिप्पणी सामने आई है, बिल्कुल आपने किस बिंदु पर मारा है, शंभू नाम का एक यूजर ने लिखा है। अब आप काम की बात करते हैं, एक उपयोगकर्ता ने फ्रंट को कस दिया है और कहा अरे यार बताओ 5-7 इंच का राग कैसे जम जाएगा। मुन्ना नाम के यूजर ने कहा है कि बहुत अच्छा, शाहरुख खान को अब अपनी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए, जैसे उन्होंने लव यू जिंदगी में डॉक्टर जहांगीर की भूमिका निभाई है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 जिले जिसे आरंभिक SRK के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तिगत हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उनकी 1999 की फिल्म बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 14 फिल्मफेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है। पुरस्कार, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है और फ्रांस सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। एड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्रेस एंड द लीजन ऑफ ऑनर एशिया की दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा में खान का एक महत्वपूर्ण अनुयायी है। दर्शकों के आकार और आय के मामले में उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्मी सितारों में एक के रूप में वर्णित किया गया है। खान ने 1980 के दशक के अंत में कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993 में, डर 1993 में और अंजाम 1994 में फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में, दिल तो पागल है 1997 में, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वो प्रमुखता से उभरे। 2001 एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। देवदास 2002, स्वदेश में नासा के वैज्ञानिक 2004, चक दे में हॉकी कोच भारत 2007 और माई नेम इज खान 2010 में एस्पायर सिंड्रोम वाला एक व्यक्ति। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और आई क्राइम फिल्म राइस 2017 फिल्म शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदायों या लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। 2015 तक खान मोशनल पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उनकी सहायक कंपनियों के सह अध्यक्ष हैं और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम टिनबागो नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं। वो लगातार टेलीविजन प्रस्तोता और स्टेज शो कलाकार हैं। उनको कई समर्थन और उद्यमपति उपक्रमों के कारण मीडिया अक्सर उन्हें ब्रांड SRK के रूप में लेबल करता है। खान के परोपकारी प्रयासों ने स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत प्रदान की है और उन्हें बच्चों की शिक्षा और विश्व आर्थिक मंच के समर्थन के लिए 2011 में यूनेस्को के पिरामिडिक कान मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने वाले उन्हें उनके नेतृत्व के लिए 2018 में क्रिस्टल अवार्ड, वह नियमित रूप से भारतीय संस्कृति के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होते हैं और 2008 में न्यूजिक ने उन्हें दुनिया के सबसे
अपने 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक का नाम दिया है। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना इम्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के रूप में अभियंता के रूप में कार्य किया था। खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बच्चा खान या फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था, उनके नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन खुदाई खिदमतगार के साथ अभियान चलाया गया था। गांधी, जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की मांग की, मीर अब्दुल गफ्फार खान ने अनुयायी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध। 2010 तक खान का पैतृक परिवार अभी भी पेशेवर के किस्सा ख्वानी मजार के शाह वाली कताल इलाके में रह रहा है। मीर भारत के विभाजन के बाद 1948 में नई दिल्ली चले गए थे। खान की मां लतीफ फातिमा एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थी। उनके पिता की शादी 1959 में हुई थी। खान ने ट्विटर पर खुद को आधा हैदराबादी मां आधा पठान बताया। पिता और कुछ कश्मीरी दादी, पेशेवर का दावा है कि परिवार हिंद को बोलता है और मूल रूप से कश्मीरी से, इस दावे का खंडन करता है कि उसके दादा अफगानिस्तान से थे। खान ने नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता के पास एक रेस्तरां सहित कई व्यवसायिक उद्यम थे और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता था। खान ने मध्य दिल्ली में सेंट कोलंबा स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। शुरू में खान खेल में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते थे, हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में कंधे की चोट के कारण वो अब खेल नहीं सकते थे। इसके बजाय अपनी युवा अवस्था में उन्होंने मंच नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जिनमें से उनके पसंदीदा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। उनके बचपन के दोस्त और अभिनय भागीदारी में से एक अमृता सिंह थी, जो बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। खान ने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज 1985-1988 में दाखिला लिया, लेकिन अपना अधिकांश समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG में बिताया, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी की सलाह के तहत अभिनय का अध्ययन किया। जान हंसराज के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपने शुरुआती करियर के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी भाग लिया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उनकी मां की 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख, जन्म 1960, उदास अवस्था में आ गई और खान ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शहनाज अपने भाई और उनके परिवार के साथ उनके घर में रहती थी, मुंबई हवेली। हालांकि खान को जन्म का नाम शाहरुख खान दिया गया था, लेकिन वो अपना नाम शाहरुख खान के रूप में लिखा जाना पसंद करते हैं और आमतौर पर इसे आरंभिक SRK द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन्होंने 6 साल की प्रेम लाप के बाद 25 अक्टूबर 1991 को एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में पंजाबी हिंदू गौरी छिब्बर से शादी की। उनका एक बेटा आर्यन, जन्म 1997, और एक बेटी सुहाना, जन्म 2013 में वे एक तीसरे बच्चे के माता पिता बने। अबराम नाम का एक बेटा, जो एक सरोगेट माँ के मध्य में पैदा हुआ था। उनके दोनों बड़े बच्चों ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने में रुचि व्यक्त की है। खान ने कहा कि आर्यन, जिन्होंने कैलिफोर्निया में USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया है, एक लेखन निर्देशन बनने की इच्छा रखते हैं, जबकि सुहाना, जिन्होंने खान की फिल्म जीरो 2018 के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है, उच्च शिक्षा के लिए
NYU इटिस स्कूल ऑफ आर्ट्स में नाटक और अभिनय का अध्ययन किया है। सुहाना ने नवंबर 2019 में द ग्रेट ऑफ ब्लू खान के अनुसार, जबकि वह इस्लाम में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वह अपनी पत्नी के धर्म को भी महत्व देते हैं। उनके बच्चे धर्मों का पालन करते हैं। उनके घर पर कुरान हिंदू देवताओं के बगल में स्थित है। अगर इनके अभिनय और इनके करियर की बात करें तो 1988-1992 में टेलीविज़न और फिल्म में डेब्यू किया। खान की पहली अभिनीत भूमिका लेखा टंडन की टेलीविज़न श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी और टेलीविज़न की शुरुआत में बन गई। श्रृंखला में जिसमें सेना के कैंडिडेट के प्रशिक्षण पर एक यथार्थवादी, इसने अजीज मिर्जा की टेलीविज़न श्रृंखला सर्कस 1989-90 और मणि कौल की लघु श्रृंखला इडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज की है। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिकाएं भी निभाई हैं। 1989 और वागले की दुनिया 1988-90 और अंग्रेजी भाषा को टेलीविज़न फिल्म्स इन विच एनी गिव्स इट देश ओन्स 1989 में, इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय की शैली की तुलना फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से की है। लेकिन खान को उस समय फिल्म अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह सोचकर कि वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने फैसले को बदल दिया। इससे अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत दुख से बचने के तरीके के रूप में उद्धत किया। वो बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्दी ही उन्हें 4 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया था। उनका पहला प्रस्ताव हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म आना है के लिए, और जून तक उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। उनकी पहली फिल्म दीवाना में थी, जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर के बाद दूसरे पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म पुरस्कार अर्जित किया। 1992 में रिलीज हुई खान की पहली फिल्म पुरुष प्रधान चमत्कार दिल आशिकाना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन थी, जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनके कई सहयोगियों में से पहली थी। उनकी प्रारंभिक फिल्मी भूमिकाओं में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अनवर रे के अनुसार खान ने एक नए प्रकार का अभिनय किया, क्योंकि वो बर्फ के एक स्लैब पर सीढ़ियों से नीचे फिसल रहा था, गाड़ी का पहिया चल रहा था, बाजी मार रहा था, होंठ कांप रहे थे, आंखें कांप रही थी, स्क्रीन पर एक तरह की शारीरिक ऊर्जा ला रहे थे। अंत तीव्र उन्मत्त एक पल और चतुराई से अगले का बचकानापन। 1993 और 1994 में एंट्री हीरो 1993 अपनी रिलीज में खान बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। बाजीगर में एक हत्यारा और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर, जिसमें खान ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई है। भारतीय दर्शकों को मानक बॉलीवुड फार्मूले के अप्रत्यक्ष उल्लंघन से चौंका दिया। द कैब्रिज कैनोफोनियन द टू मॉडर्न इंडियन कल्चर्स में सोनल खुल्लर ने चरित्र को द कंप्यूजमेंट एंट्री हीरो कहा है। बाजीगर में उनका समर्थन, जो अभिनेत्री काजोल के साथ उनकी कई प्रस्तुतियों में पहला होगा, ने खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2003 में हिंदी सिनेमा के विश्वकोश ने कहा कि खान ने इन दोनों फिल्मों में पारंपरिक नायक की छवि को धता बता दिया और संशोधनवादी नायक का अपना संस्करण बनाया। डर ने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और उनकी कंपनी यशराज फिल्म्स के खान के कई सहयोगियों में पहला चिन्हित किया गया था। खान का हकलाना और आई लव यू का किरण क्वेंस का प्रयोग दर्शकों के बीच लोकप्रिय था। द इंडियन इक्वेंस की मालिनी मन्नत ने तर्क किया कि वो एक नकारात्मक भूमिका में अभिनय के समान
के साथ दूसरे चले जाते हैं। डर के लिए उन्हें के लिए नामांकन मिला एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। फिल्मफेयर पुरस्कार जिसे सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सर के लिए परेश रावल से हार गए। इसके अलावा 1993 में खान ने माया मेम साहब में दीपा शाही के साथ एक नग्न दृश्य का प्रदर्शन किया। हालांकि इसके कुछ हिस्सों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेंसर किया गया था। आगामी विवाद ने उन्हें भविष्य की भूमिकाओं में ऐसे दृश्यों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 1994 में खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी और सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक प्रेमग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकार किया और उनकी पसंदीदा भूमिका की। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और 2014 की पूर्वव्यापी समीक्षा की। Redmi.com की सुकन्या वर्मा ने उन्हें खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर, बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करने वाला कहा। अंजाम में एक जुनूनी प्रेमी के रूप में अपनी सह अभिनीत भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। माधुरी दीक्षित उस समय हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक प्रमुख व्यक्ति के करियर के लिए विरोधी भूमिकाएं निभाना जोखिम भरा माना जाता था। अर्बन रे ने बाद में खान को पागल, जोखिम लेने और लिफाफे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे पात्रों को चुनने का श्रेय दिया जिसके माध्यम से उन्होंने अपना करियर स्थापित किया। निर्देशक मुकुल एस आनंद ने उस समय उन्हें उद्योग का नया चेहरा कहा। खान ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से पहली राकेश रोशन की मेलोड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन थी। सलमान खान और काजोल की सह कलाकार यह भारत में साल की दूसरी लंबे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उस वर्ष उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रोमांस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने एक युवा अनिवासी भारतीय NRI की भूमिका निभाई है, जिसमें काजोल के चरित्र से प्यार हो जाता है। खान शुरू में एक प्रेमी की भूमिका निभाने के लिए मितभाषी थे, लेकिन फिल्म को उन्हें रोमांटिक नायक के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचकों और जनता द्वारा दोनों की सराहना की गई थी। ये भारत और विदेशों में वर्षों का सबसे अधिक कमाई करने वाली उत्पादन बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया ऑल टाइम ब्लॉस्टर घोषित किया गया था। 1.22 मिलियन US 16 से अधिक की कमाई के साथ मिलियन दुनिया भर में यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। 2015 की शुरुआत में 1000 से अधिक हफ्तों के बाद मुंबई मराठा मंदिर थिएटर में प्रदर्शित हो रहा है। फिल्म ने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें खान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी शामिल है। निर्देशक और आलोचक राजा सेनन ने कहा है, खान एक शानदार प्रदर्शन देते हैं। 1990 के दशक के लिए प्रेमी को फिर से परिभाषित करते हुए अनायास गैर अभिनय के रूप में सामने आने के लिए 1996 में खान की सभी चार रिलीज समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। आदित्य पांचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनय भूमिका में उन्हें वह वाही दिलाई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पठान मूवी की रिलीज की तारीख बॉलीवुड के बादशाह और एक रोमांचक एक्शन थ्रिलर प्रोजेक्ट पठान के साथ वापस आ गए हैं। हाउडी एस एक और बड़ी हिट देने के लिए किंग खान को यशराज स्टूडियो के बाहर देखा गया है। आखिरी बार इस अभिनेता को 2018 में आई फिल्म एरो जीरो में देखा गया था। इसके बाद भी जी हां, सभी खान फैंस शाहरुख खान की फिल्म देखने के इंतजार कर रहे हैं। प्रशंसक अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि पठान कब रिलीज होगी, क्योंकि कई लोगों ने यशराज स्टूडियो के बाहर अभिनेता की उपस्थिति देखी है। क्या आप पठान फिल्म की रिलीज की तारीख जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं? पेज के साथ बने रहिए और अभिनेता को आगामी फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। आइए देखिए पठान मूवी कास्ट, पठान और डायरेक्टर, पठान मूवी स्टोरी, पठान मूवी ट्रेलर और पठान मूवी रिलीज डेट। पठान मूवी रिलीज डेट किंग खान को बड़े पर्दे पर देखने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका एक्शन, रोमांस और आकर्षण छूट गया है,
क्योंकि सभी को उनकी फिल्म का इंतजार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और उनकी लेटेस्ट अपीयर्स जरूर है। क्या आप पठान मूवी की रिलीज डेट रिलीज कर सकते हैं? क्या आप अपनी पसंदीदा सुपरस्टार फिल्म पठान की रिलीज की तारीख जानने के इच्छुक हैं? हम पठान फिल्म की रिलीज की तारीख की खबर लेकर आए हैं। पठान के 2021 में बड़े पर्दे पर आने वाली है उम्मीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म दिवाली 2021 में रिलीज होगी। पठान फिल्म के निर्देशक का नाम, जैसे कि हम पठान फिल्म की रिलीज की तारीख के बारे में जानते हैं, आइए जानें फिल्म निर्देशक, कलाकार और कहानी। फिल्म का निर्माण यशराज स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है और इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे, जिन्होंने सुपरहिट वार का एक्शन किया है। फिल्म का नाम पठान। हम एक स्टार कास्ट को लेकर आए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार हैं। यह बताया गया है कि दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम बाद की तारीखों में शूटिंग करेंगे। हम निश्चित रूप से 3 सुपर टैलेंट सितारों से हिट की उम्मीद कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शाहरुख खान नायक की भूमिका निभाएंगे, जबकि जॉन अब्राहम एक खलनायक की भूमिका निभाएंगे। दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ नायिका की भूमिका निभाई है। सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बॉलीवुड बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापस आएंगे, जो YRF प्रोजेक्ट 50 का हिस्सा होगा, जिसका शीर्ष सिद्धार्थ आनंद निर्देशित पठान मोधा होगा। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को बड़े पैमाने पर और एक्शन से भरपूर सीक्वेंस पर अंजाम दिया जाएगा, जिसमें शाहरुख खान की बड़ी भूमिका निभाएंगे। शाहरुख खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो नवंबर में फ्लोर पर होंगी। इसके अलावा उनका विज्ञान कथा रोमांस SRO SRK 2018 में रिलीज हुआ एक लंबा रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं। राजकुमार हिरानी, सामाजिक नाटक बॉलीवुड के बादशाह पर काम करना पड़ा, क्योंकि यह स्क्रिप्ट आगे बढ़कर इसलिए 2022 की दूसरी छमाही के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि बॉलीवुड हंगामा ने कहा है कि इसी कारण अब उन्हें 2021 के अंत में होने वाली तारीखों के लिए अपनी तिथियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पठान टीजर। शाहरुख खान नई मूवी 2020 पहल इटली। अनुष्का शर्मा शाहरुख खान ड्रैप मूवी पठान। शाहरुख खान ट्रेजर पठान 2020 पठान दिसंबर 2020। आनंद एल राय ड्रैप प्रोजेक्ट शाहरुख के न्यू मूवी 2020 ट्रेलर इटली। RSR के ट्रेलर पठान फर्स्ट लुक ट्रेजर पठान। पठान एक आगामी बॉलीवुड फिल्म है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान वार फेम सिद्धांत आनंद के निर्देशन में बनी एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। यशराज फिल्म का प्रोजेक्ट, इसमें दीपिका पादुकोण फीमेल लीड हो सकती हैं। फिल्म का नाम पठान है। अगले महीने स्टूडियो की 50 वर्षीय गांठ पर आदित्य चोपड़ा द्वारा पठान की रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2021 को घोषित करने की उम्मीद है। कुछ दिनों तक सुर्खियों से बाहर रहने के बाद शाहरुख खान की पठान एक बार फिर चर्चा में है। यह फिल्म पर एक रोमांचक अपडेट है, क्योंकि यह कल से फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। नीचे आपको फिल्म के बारे में फिर शुरू होने के बारे में जानने की ज़रूरत है। शाहरुख खान का एक्शन ब्रेक पर था और कल से शूटिंग फिर से शुरू होगी। इस कार्यक्रम के बाद टीम भारत से बाहर जाएगी। ये सोशल सितंबर के अंत में यूरोप में फिल्माया जाएगा। पठान के एक करीबी सूत्र ने साझा किया, यूरोप के लिए एक शूटिंग शेड्यूल की योजना है, लेकिन तारीखें अभी तय नहीं हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के विपरीत अफगानिस्तान कभी भी फिल्म के लिए स्थानों की सूची में नहीं था। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अधिक विशेष रूप से बोलते हुए फिल्म को इस सस्पेंस की राजधानी मैड्रिड में शूट करने की योजना बनाई गई थी। बता दें कि पठान के दुबई शेड्यूल की शूटिंग मुंबई के शेड्यूल के बाद ही हो चुकी है। शाहरुख खान ने फिल्म को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद सलमान खान ने अपने कैमियों के लिए शूटिंग की है। पिछले शेड्यूल में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण टीम में शामिल हुए थे। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म को यशराज फिल्म का समर्थन प्राप्त है। यह अस्थायी रूप से ईद 2022 की रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। इस बीच सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी के साथ फिल्म के क्रॉस ओवर को देखने के लिए फिल्म प्रेमी सुपर उत्साहित हैं। हमने सुना है कि इसमें वार के साथ एक क्रॉस ओवर भी होगा। कैसे खैर आशुतोष राणा उर्फ वार के कर्नल सुनील लूथरा के जरिए
एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पठान के निर्माता आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद आशुतोष को आने वाली जासूसी फिल्म रा के संयुक्त सचिव के रूप में अपनी भूमिका को फिर से करने का विचार लेकर आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया कि राणा ने कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, लेकिन अब क्या है, पठान की कहानी शाहरुख खान में रा एजेंट बने हैं, जान अब्राहम रूसी माफिया है और दीपिका पादुकोण फिल्म में पुलिसकर्मी हैं। अब SRK सोच रहा है कि फिल्म हिट होगी। क्या आप गंभीर हैं? क्या आप गंभीर हैं? अपने गले ट्वीट में अगले ट्वीट में KRK ने लिखा है। अब वो केवल फिल्म कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म युद्ध के निर्माता की आखिरी फिल्म हिट थी बिना कहानी के। लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है कि लोगों को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे शानदार नर्तकियों को देखना होगा, एक कहानी देखना नहीं चाहते। अब लोग शाहरुख खान को देखने में इंटरेस्टेड नहीं रखते, खासकर तब जब फिल्म की कहानी ही कुछ नहीं है। KRK ने एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, बस बैक बैक और वार देखिए। इसके अलावा हमने कुछ अंग्रेजी एक्शन फिल्में भी देखी। इन सभी दृश्यों को आप पठान में देखेंगे। यह तय है कि यह फिल्म फ्लॉप होने वाली है। शाहरुख खान के सामने एक बड़ी समस्या है, वो ऋतिक रोशन को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। पठान मूवी में शाहरुख खान ने धमाकेदार वापसी फिल्म पठान का ट्रीजर शेयर कर रिलीज डेट का किया ऐलान। हल्की सी झलक दिखाकर शाहरुख ने अपने फैंस की एक्साइटमेंट को काफ़ी बढ़ा दिया है। देर से ही सही, लेकिन फिर भी एक बार बॉलीवुड के किंग खान पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हैं। हाल ही में पठान का ट्रीजर रिलीज करते हुए शाहरुख खान ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। साथ ही साथ एक हल्की सी झलक अपने लुक की भी दिखाई है। इस फिल्म में शाहरुख खान के किरदार का इंट्रोडक्शन दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम ने साथ मिलकर दिया है। हल्की सी झलक दिखाकर शाहरुख खान ने अपने फैंस की एक्साइटमेंट को काफ़ी बढ़ा दिया है। शाहरुख खान ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कमेंट में लिखा है, मानता हूँ थोड़ी देरी हुई, लेकिन इस डेट को याद रखिएगा, पठान का वक्त अब शुरू होता है, सिनेमा में मिलेगा 25 जनवरी 2023 को। बता दें, इस मल्टी स्टारर फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। यशराज बैनर के 50 साल पूरे होने पर शाहरुख खान की वापसी के साथ पठान को सेलिब्रेट किया जाएगा। शाहरुख खान का किरदार को इंट्रो देते हुए दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम ने चांद लाइनों में किंग खान की वापसी का ऐलान कर दिया है। जान अब्राहम ने कहा है, हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर इसके पास इनमें से कुछ नहीं था। दीपिका पादुकोण ने कहा, यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाली भी नहीं थी, अगर वो कुछ था तो बस यही ये देश इंडिया है। इन दिनों दोनों के बाद ट्रीजर में फिर सुनाई देती है शाहरुख खान की आवाज़, जिसमें किंग खान कहते हैं कि तो उसमें अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया है और देश की रक्षा को ही अपना कर्म, और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते हैं। लेकिन यह नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मिलते हैं पठान से। इस ट्रेजर के साथ शाहरुख खान ने अपनी दमदार वापसी की एक झलक तो दिखा दी। तारीख का जब सिनेमाई घरों में शाहरुख खान के वापसी के परचम फिर लहराते नजर आएंगे, 25 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में तहलका मचाती दिखाई देगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान में देखा जाने वाला है। किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह बॉलीवुड को मेगा बजट फिल्मों में से एक होने वाली है। शाहरुख खान को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए देखा जाएगा। मुंबई में ओमिक्रॉन और COVID-19 के मामलों में गिरावट के साथ पठान, टाइगर 3 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शहर में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। एक विश्वसनीय स्रोत से सीखा है शाहरुख खान, खान जल्द ही अपना फिल्म पठान की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए सेट पर लौटेंगे, जिसमें फीचर भी दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम होंगे। सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख खान अगले 2 महीनों में
पठान को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी स्थान की शूटिंग भी है। और फिर निर्देशक एटली के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग के फिर से शुरू करने जा रहे हैं, जो अब लंबे समय से लंबित है। खान राजकुमार हिरानी की एक फिल्म भी है जिसे वो इस साल शुरू करना चाहते हैं। ये फिल्म कथित तौर पर प्रदर्शित होगी तापसी पन्नू, लेकिन अभिनेत्री ने अभी तक इस विकास की पुष्टि नहीं की है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग मामले और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में फंसने के बाद शाहरुख ने अपनी फिल्मों और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं की शूटिंग बंद कर दी थी। हाल ही में खान को उन ब्रांड के नए विज्ञापनों में देखा गया जिनका उन्होंने वर्षों से समर्थन किया है, और सूत्रों का मानना है कि वो जल्द ही अपनी फिल्म की शूटिंग में भी लौट आएंगे। पठान मूवी एक आगामी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाएगा। खान ने पठान के लिए चार्ज की इतनी मोटी फीस अक्षय कुमार और सलमान खान को भी पछाड़ा है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं आए दिन इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में पठान में शाहरुख खान की फीस को लेकर हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान ने इतनी तगड़ी फीस चार्ज की है कि वो बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अभी से ही देखने को मिल रही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके कई फैन क्लब इस फिल्म से जुड़े चौंकाने वाले दावे करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि फिल्म पठान में शाहरुख खान ने फीस के तौर पर 100 करोड़ चार्ज किए हैं, जिसके बाद अपने नए OTT ऐप SRK+ के लिए इसी के साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अनाउंसमेंट पर कयास लगा रहे यूजर्स का अंदाज़ा भी यही साबित हो गया है। शाहरुख खान की स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके चाहने वाले शाहरुख खान को वापस पर्दे पर देखने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे एक्टर के एक रेड का भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं। खैर, अब शाहरुख खान फिल्म पठान से कम बैक करने को तैयार हैं। फिल्म से उनका पहला लुक सामने आ चुका है। पठान के अलावा शाहरुख खान अपने फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। जी हां, शाहरुख खान ने अपनी लेटेस्ट ट्वीट में इस तोहफे का हिट दिया है। SRS+ किंग कमिंग सून पोस्टर के साथ शाहरुख खान ने लिखा है, कुछ कुछ होने वाला है OTT की दुनिया में। इससे पहले कि शाहरुख खान अपने इस सरप्राइज का खुलासा करते, सलमान खान ने उन्हें बधाई देते हुए शाहरुख खान के नए OTT चैनल का राज खोल दिया है। सलमान खान ने शाहरुख खान को बधाई देते हुए लिखा है कि आज की पार्टी तेरी तरफ से नहीं, OTT ऐप SRK+ की तरफ से। इसके साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अनाउंसमेंट पर कयास लगाए रहे यूजर का अंदाज़ा सही साबित हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म शुरू कर दी है। जैसा कि उनकी आने वाली फिल्म का नाम सुनाया गया है, पठान को दीपिका पादुकोण फिल्म में देखा जा सकता है, जिन्होंने अतीत में शाहरुख खान के साथ कई फिल्में की हैं। और दीपिका पादुकोण ने भी अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की शाहरुख खान से ही किया। शाहरुख खान की पहली फिल्म जीरो, जहां शाहरुख खान को अनुष्का शर्मा के साथ देखा गया था, वो बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई नहीं कर सकी। शाहरुख खान के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है जब वह उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से देखेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द ही अपनी बहुचर्चित
फिल्म पठान के साथ आने वाले हैं। शाहरुख खान को आखिरी बार जीरो में देखा गया था, तो इससे पहले शाहरुख खान जब जब हैरी मैन सीजनल में नज़र आए थे। साल 2018 में फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिए हैं। बीच में कोरोना के कारण शाहरुख खान की फिल्म का भी अटक गई थी। अब शाहरुख खान के फैंस पठान के अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच अभिनेता के कमाल खान ने शाहरुख खान की पठान के बारे में दो ट्वीट किए हैं। शाहरुख खान की फिल्म के बारे में के ने कहा है, SRK ने पिछले 3-4 साल से कोई फिल्म नहीं की, इसीलिए मैंने सोचा कि अब वो एक शानदार कहानी लाने जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, पठान की कहानी शाहरुख खान में रा एजेंट बने हैं, जान अब्राहम रूसी माफिया है और दीपिका पादुकोण फिल्म में पुलिसकर्मी हैं। अब SRK सोच रहा है कि फिल्म हिट होगी। क्या आप गंभीर हैं, क्या आप गंभीर हैं? अपने अगले ट्वीट में KRK ने लिखा है, अब वो केवल फिल्म कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म युद्ध के निर्माता की आखिरी फिल्म हिट थी बिना कहानी के। लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है कि लोगों को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे शानदार नर्तकियों को देखना होगा, एक कहानी देखना नहीं चाहते। अब लोग शाहरुख खान को देखने में इंटरेस्टेड नहीं रखते, खासकर तब जब फिल्म की कहानी ही कुछ नहीं है। KRK ने एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, बस बैक और वार देखी। इसके अलावा हमने कुछ अंग्रेजी एक्शन फिल्में भी देखी। इन सभी दृश्यों को आप पठान में देखेंगे, यह तय है कि यह फिल्म फ्लॉप होने वाली है। शाहरुख खान के सामने एक बड़ी समस्या है, वो ऋतिक रोशन को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। KRK ने इस ट्वीट के सामने आने वाले के बाद लोगों को काफ़ी प्रतिक्रिया आने लगी हैं। किसी ने कहा है कि कमाल और खान ने बिंदु की बात को पकड़ लिया है, तो शाहरुख खान का पक्ष लिया और कहा, आप पर शर्म आ रही है, एक आदमी अपने काम को इतनी मेहनत से कर रहा है और आप इसे एक झटके में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म कबूतर के खाते में एक टिप्पणी सामने आई है, बिल्कुल आपने किस बिंदु पर मारा है। शंभू नाम का एक यूजर ने लिखा है, अब आप काम की बात करते हैं, एक उपयोगकर्ता ने फ्रंट को कस दिया है और कहा, अरे यार बताओ 5-7 इंच का राख कैसे जम जाएगा। मुन्ना नाम के यूजर ने कहा है कि बहुत अच्छा, शाहरुख खान को अब अपनी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे उन्होंने लव यू जिंदगी में डॉक्टर जहांगीर की भूमिका निभाई है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 जिसे आरंभिक SRK के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तिगत हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उनकी 1999 की फिल्म बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 14 फिल्मफेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है। पुरस्कार, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है और फ्रांस सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। एंड द लीजन ऑफ ऑनर एशिया की दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा में खान का एक महत्वपूर्ण अनुयायी है। दर्शकों के आकार और आय के मामले में उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्मी सितारों में एक के रूप में वर्णित किया गया है। खान ने 1980 के दशक के अंत में कई टेलीविज़न श्रृंखलाओं में अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993 में, डर 1993 में और अंजाम 1994 में फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में, दिल तो पागल है 1997 में, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वो प्रमुखता से उभरे। 2001 एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। देवदास 2002, स्वदेश
में नासा के वैज्ञानिक 2004, चक दे में हॉकी कोच भारत 2007 और माई नेम इज खान 2010 में एस्पायर सिंड्रोम वाला एक व्यक्ति। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और आई क्राइम फिल्म राइस 2017 फिल्म शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदायों या लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। 2015 तक खान मोशनल पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उनकी सहायक कंपनियों के सह अध्यक्ष हैं और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम टिनबागो नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं। वो लगातार टेलीविजन प्रस्तोता और स्टेज शो कलाकार हैं। उनको कई समर्थन और उद्यमपति उपक्रमों के कारण मीडिया अक्सर उन्हें ब्रांड आर एस आर के रूप में लेबल करता है। खान के परोपकारी प्रयासों ने स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत प्रदान किए और उन्हें बच्चों की शिक्षा और विश्व आर्थिक मंच के समर्थन के लिए 2011 में यूनेस्को के पिरामिड कान मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने वाले उन्हें उनके नेतृत्व के लिए 2018 में क्रिस्टल अवार्ड, वह नियमित रूप से भारतीय संस्कृति के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होते हैं और 2008 में न्यूजिक ने उन्हें दुनिया के सबसे अपने 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक का नाम दिया है। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए जहां उनके नाना इम्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के रूप में अभियंता के रूप में कार्य किया था। खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बच्चा खान या फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था, उनके नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन खुदाई खिदमतगार के साथ अभियान चलाया गया था। गांधी, जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की मांग की, मीर अब्दुल गफ्फार खान ने अनुयायी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध। 2010 तक खान का पैतृक परिवार अभी भी पेशेवर के किस्सा ख्वानी बाजार के शाह वाली कताल इलाके में रह रहा है। मीर भारत के विभाजन के बाद 1948 में नई दिल्ली चले गए थे। खान की माँ लतीफ फातिमा एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थी। उनके पिता की शादी 1959 में हुई थी। खान ने ट्विटर पर खुद को आधा हैदराबादी माँ आधा पठान बताया। पिता और कुछ कश्मीरी दादी, पेशेवर का दावा है कि परिवार हिंद को बोलता है और मूल रूप से कश्मीरी से इस दावे का खंडन करता है कि उसके दादा अफगानिस्तान से थे। खान ने नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता के पास एक रेस्तरां सहित कई व्यावसायिक उद्यम थे और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता था। खान ने मध्य दिल्ली में सेंट कोलंबा स्कूल में भाग लिया जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। शुरू में खान खेल में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते थे, हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में कंधे की चोट के कारण वो अब खेल नहीं सकते थे। इसके बजाय अपनी युवा अवस्था में उन्होंने मंच नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जिनमें से उनके पसंदीदा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। उनके बचपन के दोस्त और अभिनय भागीदारी में से एक अमृता सिंह थी जो बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। खान ने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज 1985-1988 में दाखिला लिया, लेकिन अपना अधिकांश समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG में बिताया जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी की सलाह के तहत अभिनय का अध्ययन किया। जान हंसराज के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए
छोड़ दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपने शुरुआती करियर के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी भाग लिया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ की 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख जन्म 1960 उदास अवस्था में आ गई और खान ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शहनाज अपने भाई और उनके परिवार के साथ उनके घर में रहती थी, है मुंबई हवेली। हालांकि खान को जन्म का नाम शाहरुख खान दिया गया था, लेकिन वो अपना नाम शाहरुख खान के रूप में लिखा जाना पसंद करते हैं और आमतौर पर इसे आरंभिक SRK द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन्होंने 6 साल की प्रेम लाप के बाद 25 अक्टूबर 1991 को एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में पंजाबी हिंदू गौरी छिब्बर से शादी की। उनका एक बेटा आर्यन जन्म 1997 और एक बेटी सुहाना जन्म 2013 में वे एक तीसरे बच्चे के माता पिता बने। अब राम नाम का एक बेटा जो एक सरोगेट माँ के मध्य में पैदा हुआ था। उनके दोनों बड़े बच्चों ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने में रुचि व्यक्त की है। खान ने कहा कि आर्यन, जिन्होंने कैलिफोर्निया में USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया है, एक लेखन निर्देशन बनने की इच्छा रखते हैं। जबकि सुहाना, जिन्होंने खान की फिल्म जीरो 2018 के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है, उच्च शिक्षा के लिए NYU किटिस स्कूल ऑफ आर्ट्स में नाटक और अभिनय का अध्ययन किया है। सुहाना ने नवंबर 2019 में द ग्रेट ऑफ ब्लू खान के अनुसार, जबकि वह इस्लाम में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वो अपनी पत्नी के धर्म को भी महत्व देते हैं। उनके बच्चे धर्मों का पालन करते हैं। उनके घर पर कुरान हिंदू देवताओं के बगल में स्थित है। अगर इनके अभिनय और इनके करियर की बात करें तो 1988-1992 में टेलीविज़न और फिल्म में डेब्यू किया। खान की पहली अभिनीत भूमिका लेखा टंडन की टेलीविज़न शंखरा दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी और टेलीविज़न की शुरुआत में बन गई। श्रृंखला में जिसमें सेना के कैंडिडेट के प्रशिक्षण पर एक यथार्थवादी, इसने अजीज मिर्जा की टेलीविज़न श्रृंखला सर्कस 1989-90 और मणि कौल की लघु श्रृंखला इडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज की है। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिकाएं भी निभाई हैं। 1989 और वागले की दुनिया 1988-90 और अंग्रेजी भाषा को टेलीविज़न फिल्म्स इन विच एनी गिव्स इट देश ओन्स 1989 में इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय की शैली की तुलना फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से की है, लेकिन खान को उस समय फिल्म अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये सोचकर कि वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने फैसले को बदल दिया। इससे अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत दुख से बचने के तरीके के रूप में उद्धत किया। वो बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्दी ही उन्हें 4 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया था। उनका पहला प्रस्ताव हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म दिल आसाना है के लिए और जून तक उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। उनकी पहली फिल्म दीवाना में थी, जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर के बाद दूसरे पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म पुरस्कार अर्जित किया। 1992 में रिलीज हुई खान की पहली फिल्म पुरुष प्रधान चमत्कार दिल आसगाना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन थी, जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनके कई सहयोगियों में से पहली थी। उनकी प्रारंभिक फिल्मी भूमिकाओं में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अनवर
रे के अनुसार खान ने एक नए प्रकार का अभिनय किया क्योंकि वो बर्फ के एक स्लैब पर सीढ़ियों से नीचे फिसल रहा था। गाड़ी का पहिया चल रहा था, बाजी मार रहा था, होंठ कांप रहे थे, आंखें कांप रही थी, स्क्रीन पर एक तरह की शारीरिक ऊर्जा ला रहे थे। अंत तीव्र उन्मत्त एक पल और चतुराई से अगले का बचकानापन। 1993 और 1994 में एंट्री हीरो। 1993 अपनी रिलीज में खान बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली, बाजीगर में एक हत्यारा और डर में एक जुनूनी प्रेमी। बाजीगर जिसमें खान ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई है। भारतीय दर्शकों को मानक बॉलीवुड फार्मूले के अप्रत्यक्ष उल्लंघन से चौंका दिया। द कैब्रिज कैनोफोनियन द ट्रू मॉडर्न इंडियन कल्चर में सोनल खुल्लर ने चरित्र को द कंप्यूजमेंट एंट्री हीरो कहा है। बाजीगर में उनका समर्थन, जो अभिनेत्री काजोल के साथ उनकी कई प्रस्तुतियों में पहला होगा, ने खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2003 में हिंदी सिनेमा के विश्वकोश ने कहा कि खान ने इन दोनों फिल्मों में पारंपरिक नायक की छवि को धता बता दिया और संशोधनवादी नायक का अपना संस्करण बनाया। डर ने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और उनकी कंपनी यशराज फिल्म्स के खान के कई सहयोगियों में पहला चिन्हित किया गया था। खान का हकलाना और आई लव यू का किरण क्वेंस का प्रयोग दर्शकों के बीच लोकप्रिय था। द इंडियन इक्वेंस की मालिनी मन्नत ने तर्क किया कि वो एक नकारात्मक भूमिका में अभिनय के समान के साथ दूसरे चले जाते हैं। डर के लिए उन्हें के लिए नामांकन मिला एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार, जिसे सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सर के लिए परेश रावल से हार गए। इसके अलावा 1993 में खान ने माया मेम साहब में दीपा शाही के साथ एक नग्न दृश्य का प्रदर्शन किया। हालांकि इसके कुछ हिस्सों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेंसर किया गया था। आगामी विवाद ने उन्हें भविष्य की भूमिकाओं में ऐसे दृश्यों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 1994 में खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी और सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक प्रेमग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकार किया और उनकी पसंदीदा भूमिका की। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और 2014 की पूर्वव्यापी समीक्षा की। Redmi.com की सुकन्या वर्मा ने उन्हें खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर, बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करने वाला कहा। अंजाम में एक जुनूनी प्रेमी के रूप में अपनी सह अभिनीत भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। माधुरी दीक्षित उस समय हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक प्रमुख व्यक्ति के करियर के लिए विरोधी भूमिकाएं निभाना जोखिम भरा माना जाता था। अर्बन ने रे ने बाद में खान को पागल, जोखिम लेने और लिफाफे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे पात्रों को चुनने का श्रेय दिया जिसके माध्यम से उन्होंने अपना करियर स्थापित किया। निर्देशक मुकुल एस आनंद ने उस समय उन्हें उद्योग का नया चेहरा कहा। खान ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से पहली राकेश रोशन की मेलोड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन थी। सलमान खान और काजोल की सहकलाकार यह भारत में साल की दूसरी लंबे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उस वर्ष उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रोमांस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने एक युवा अनिवासी भारतीय NRI की भूमिका निभाई है, जिसमें काजोल के चरित्र से प्यार हो जाता है। खान शुरू में एक प्रेमी की भूमिका निभाने के लिए मितभाषी थे, लेकिन फिल्म को उन्हें रोमांटिक नायक के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचकों और जनता द्वारा दोनों की सराहना की गई थी। ये भारत और विदेशों में वर्षों का सबसे अधिक कमाई करने वाली उत्पादन बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया ऑल टाइम ब्लॉस्टर घोषित किया गया था। 1.22 मिलियन US$16 से अधिक की कमाई के साथ मिलियन दुनिया भर में यह भारतीय
सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। 2015 की शुरुआत में 1000 से अधिक हफ्तों के बाद मुंबई मराठा मंदिर थिएटर में प्रदर्शित हो रहा है। फिल्म ने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें खान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी शामिल है। निर्देशक और आलोचक राजा सेनन ने कहा है, खान एक शानदार प्रदर्शन देते हैं। 1990 के दशक के लिए प्रेमी को फिर से परिभाषित करते हुए अनायास गैर अभिनय के रूप में सामने आने के लिए 1996 में खान की सभी 4 रिलीज समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। आदित्य पांचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनय भूमिका में उन्हें वह वाही दिलाई जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पठान मूवी की रिलीज की तारीख बॉलीवुड के बादशाह और एक रोमांचक एक्शन थ्रिलर प्रोजेक्ट पठान के साथ वापस आ गए हैं। हाउडी एस एक और बड़ी हिट देने के लिए किंग खान को यशराज स्टूडियो के बाहर देखा गया है। आखिरी बार इस अभिनेता को 2018 में आई फिल्म एरो जीरो में देखा गया था। इसके बाद भी जी हाँ, सभी खान फैंस शाहरुख खान की फिल्म देखने के इंतजार कर रहे हैं। प्रशंसक अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि पठान कब रिलीज होगी, क्योंकि कई लोगों ने यशराज स्टूडियो के बाहर अभिनेता की उपस्थिति देखी है। क्या आप पठान फिल्म की रिलीज की तारीख जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं? पेज के साथ बने रहिए और अभिनेता को आगामी फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। आइए देखिए पठान मूवी कास्ट, पठान और डायरेक्टर, पठान मूवी स्टोरी, पठान मूवी ट्रेलर और पठान मूवी रिलीज डेट। पठान मूवी रिलीज डेट किंग खान को बड़े पर्दे पर देखने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका एक्शन, रोमांस और आकर्षण छूट गया है, क्योंकि सभी को उनकी फिल्म का इंतजार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और उनकी लेटेस्ट अपीयर्स जरूर है। क्या आप पठान मूवी की रिलीज डेट रिलीज कर सकते हैं? क्या आप अपनी पसंदीदा सुपरस्टार फिल्म पठान की रिलीज की तारीख जानने के इच्छुक हैं? हम पठान फिल्म की रिलीज की तारीख की खबर लेकर आए हैं। पठान के 2021 में बड़े पर्दे पर आने वाली है उम्मीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म दिवाली 2021 में रिलीज होगी। पठान फिल्म के निर्देशक का नाम, जैसे कि हम पठान फिल्म की रिलीज की तारीख के बारे में जानते हैं, आइए जानें फिल्म निर्देशक, कलाकार और कहानी। फिल्म का निर्माण यशराज स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है और इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे, जिन्होंने सुपरहिट वार का एक्शन किया है। फिल्म का नाम पठान। हम एक स्टार कास्ट को लेकर आए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम मुख्य किरदार हैं। यह बताया गया है कि दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम बाद की तारीखों में शूटिंग करेंगे। हम निश्चित रूप से 3 सुपर टैलेंट सितारों से हिट की उम्मीद कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शाहरुख खान नायक की भूमिका निभाएंगे, जबकि जान अब्राहम एक खलनायक की भूमिका निभाएंगे। दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ नायिका की भूमिका निभाई है। सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बॉलीवुड बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापस आएंगे, जो YRF प्रोजेक्ट 50 का हिस्सा होगा, जिसका शीर्ष सिद्धार्थ आनंद निर्देशित पठान मोधा होगा। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को बड़े पैमाने पर और एक्शन से भरपूर सीक्वेंस पर अंजाम दिया जाएगा, जिसमें शाहरुख खान की बड़ी भूमिका निभाएंगे। शाहरुख खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो नवंबर में फ्लोर पर होंगी। इसके अलावा उनका विज्ञान कथा रोमांस SRO SRK 2018 में रिलीज हुआ, एक लंबा रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं। राजकुमार हिरानी, सामाजिक नाटक बॉलीवुड के बादशाह पर काम करना पड़ा, क्योंकि यह स्क्रिप्ट आगे बढ़कर इसलिए 2022 की दूसरी छमाही के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि बॉलीवुड हंगामा ने कहा है कि इसी कारण अब उन्हें 2021 के अंत में होने वाली तारीखों के लिए अपनी तिथियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पठान टीजर, शाहरुख खान नई मूवी 2020, पहल एटली अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान ड्वाइप मूवी पठान, शाहरुख खान ट्रेजर पठान 2020, पठान दिसंबर 2020, आनंद एल राय ड्वाइप प्रोजेक्ट शाहरुख के न्यू मूवी 2020 ट्रेलर, एटली RSR के ट्रेलर पठान, फर्स्ट लुक ट्रेजर पठान। पठान एक आगामी बॉलीवुड
फिल्म है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान वार फेम सिद्धांत आनंद के निर्देशन में बनी एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। यशराज फिल्म का प्रोजेक्ट, इसमें दीपिका पादुकोण फीमेल लीड हो सकती हैं। फिल्म का नाम पठान है। अगले महीने स्टूडियो की 50 वर्षीय गांठ पर आदित्य चोपड़ा द्वारा पठान की रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2021 को घोषित करने की उम्मीद है। कुछ दिनों तक सुर्खियों से बाहर रहने के बाद शाहरुख खान की पठान एक बार फिर चर्चा में है। यह फिल्म पर एक रोमांचक अपडेट है क्योंकि यह कल से फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। नीचे आपको फिल्म के बारे में फिर शुरू होने के बारे में जानने की ज़रूरत है। शाहरुख खान का एक्शन ब्रेक पर था और कल से शूटिंग फिर से शुरू होगी। इस कार्यक्रम के बाद टीम भारत से बाहर जाएगी। ये सोशल सितंबर के अंत में यूरोप में फिल्माया जाएगा। पठान के एक करीबी सूत्र ने साझा किया, यूरोप के लिए एक शूटिंग शेड्यूल की योजना है लेकिन तारीखें अभी तय नहीं हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के विपरीत अफगानिस्तान कभी भी फिल्म के लिए स्थानों की सूची में नहीं था। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अधिक विशेष रूप से बोलते हुए फिल्म को इस सस्पेंस की राजधानी मैड्रिड में शूट करने की योजना बनाई गई थी। बता दें कि पठान के दुबई शेड्यूल की शूटिंग मुंबई के शेड्यूल के बाद ही हो चुकी है। शाहरुख खान ने फिल्म को हरी झंडी दिखाई है जिसके बाद सलमान खान ने अपने कैमियो के लिए शूटिंग की है। पिछले शेड्यूल में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण टीम में शामिल हुए थे। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म को यशराज फिल्म का समर्थन प्राप्त है। यह अस्थायी रूप से ईद 2022 की रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। इस बीच सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी के साथ फिल्म के क्रॉस ओवर को देखने के लिए फिल्म प्रेमी सुपर उत्साहित हैं। हमने सुना है कि इसमें वार के साथ एक क्रॉस ओवर भी होगा। कैसे खैर, आशुतोष राणा उर्फ वार के कर्नल सुनील लूथरा के जरिए एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पठान के निर्माता आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद आशुतोष को आने वाली जासूसी फिल्म रा के संयुक्त सचिव के रूप में अपनी भूमिका को फिर से करने का विचार लेकर आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया कि राणा ने कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है। शाहरुख खान के किरदार का इंट्रोडक्शन दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने साथ मिलकर दिया है। हल्की सी झलक दिखाकर शाहरुख खान ने अपने फैंस की एक्साइटमेंट को काफ़ी बढ़ा दिया है। शाहरुख खान ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कमेंट में लिखा है, मानता हूँ थोड़ी देरी हुई लेकिन इस डेट को याद रखिएगा, पठान का वक्त अब शुरू होता है, सिनेमा में मिलेगा 25 जनवरी 2023 को। बता दें इस मल्टी स्टारर फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। यशराज बैनर के 50 साल पूरे होने पर शाहरुख खान की वापसी के साथ पठान को सेलिब्रेट किया जाएगा। शाहरुख खान का किरदार को इंट्रो देते हुए दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने चांद लाइनों में किंग खान की वापसी का ऐलान कर दिया है। जॉन अब्राहम ने कहा है, हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर इसके पास इनमें से कुछ नहीं था। दीपिका पादुकोण ने कहा, यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाली भी नहीं थी, अगर वो कुछ था तो बस यही ये देश इंडिया है। इन दिनों दोनों के बाद टीजर में फिर सुनाई देती है शाहरुख खान की आवाज़ जिसमें किंग खान कहते हैं कि तो उसमें अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया है और देश की रक्षा को ही अपना कर्म, और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते हैं। लेकिन यह नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मिलते हैं पठान से। इस ट्रेजर के साथ शाहरुख खान ने अपनी दमदार वापसी की एक झलक तो दिखा दी। तारीख का जब सिनेमाई घरों में शाहरुख खान के वापसी के परचम फिर लहराते नजर आएंगे, 25 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में तहलका मचाती दिखाई देगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान में देखा जाने वाला है। किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह बॉलीवुड को मेगा बजट फिल्मों में से एक होने वाली है। शाहरुख खान को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए देखा जाएगा। मुंबई में ओमिक्रॉन और COVID-19 के मामलों में गिरावट के साथ पठान, टाइगर 3 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शहर में फिर से शुरू होने की उम्मीद है।
एक विश्वसनीय स्रोत से सीखा है शाहरुख खान। खान जल्द ही अपना फिल्म पठान की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए सेट पर लौटेंगे, जिसमें फीचर भी दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे। सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख खान अगले 2 महीनों में पठान को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी स्थान की शूटिंग भी है और फिर निर्देशक एटली के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग के फिर से शुरू करने जा रहे हैं, जो अब लंबे समय से लंबित है। खान राजकुमार हिरानी की एक फिल्म भी है जिसे वो इस साल शुरू करना चाहते हैं। ये फिल्म कथित तौर पर प्रदर्शित होगी तापसी पन्नू, लेकिन अभिनेत्री ने अभी तक इस विकास की पुष्टि नहीं की है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग मामले और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में फंसने के बाद शाहरुख ने अपनी फिल्मों और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं की शूटिंग बंद कर दी थी। हाल ही में खान को उन ब्रांड के नए विज्ञापनों में देखा गया जिनका उन्होंने वर्षों से समर्थन किया है, और सूत्रों का मानना है कि वो जल्द ही अपनी फिल्म की शूटिंग में भी लौट आएंगे। पठान मूवी एक आगामी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाएगा। शाहरुख खान ने पठान के लिए चार्ज की इतनी मोटी फीस अक्षय कुमार और सलमान खान को भी पछाड़ा है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं आए दिन इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में पठान में शाहरुख खान की फीस को लेकर हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान ने इतनी तगड़ी फीस चार्ज की है कि वो बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अभी से ही देखने को मिल रही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके कई फैन क्लब इस फिल्म से जुड़े चौंकाने वाले दावे करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि फिल्म पठान में शाहरुख खान ने फीस के तौर पर 100 करोड़ चार्ज किए हैं, जिसके अपने नए OTT ऐप SRK+ के लिए। इसी के साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अनाउंसमेंट पर कयास लगा रहे यूजर्स का अंदाजा भी यही साबित हो गया है। शाहरुख खान की स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके चाहने वाले शाहरुख खान को वापस पर्दे पर देखने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे एक्टर के एक रेड का भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं। खैर, अब शाहरुख खान फिल्म पठान से कम बैक करने को तैयार हैं। फिल्म से उनका पहला लुक सामने आ चुका है। पठान के अलावा शाहरुख खान अपने फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, शाहरुख खान ने अपनी लेटेस्ट ट्वीट में इस तोहफे का हिट दिया है। SRS+ किंग कमिंग सून पोस्टर के साथ शाहरुख खान ने लिखा है, कुछ होने वाला है OTT की दुनिया में। इससे पहले कि शाहरुख खान अपने इस सरप्राइज का खुलासा करते, सलमान खान ने उन्हें बधाई देते हुए शाहरुख खान के नए OTT चैनल का राज खोल दिया है। सलमान खान ने शाहरुख खान को बधाई देते हुए लिखा है कि आज की पार्टी तेरी तरफ से नहीं, OTT ऐप SRK+ की तरफ से। इसके साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अनाउंसमेंट पर कयास लगाए रहे यूजर का अंदाजा सही साबित हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म शुरू कर दी है। जैसा कि उनकी आने वाली फिल्म का नाम सुनाया गया है, पठान को दीपिका पादुकोण फिल्म में देखा जा सकता है, जिन्होंने अतीत में शाहरुख खान के साथ कई फिल्में की हैं। और दीपिका पादुकोण ने भी अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की शाहरुख खान से ही किया। शाहरुख खान की पहली फिल्म 0, जहां शाहरुख खान को अनुष्का शर्मा के साथ देखा गया था,
वो बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई नहीं कर सकी। शाहरुख खान के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है जब वह उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से देखेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द ही अपनी बहुचर्चित फिल्म पठान के साथ आने वाले हैं। शाहरुख खान को आखिरी बार जीरो में देखा गया था तो इससे पहले शाहरुख खान जब जब हैरी मैन सिग्नल में नज़र आए थे। साल 2018 में फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिए हैं। बीच में कोरोना के कारण शाहरुख खान की फिल्म का भी अटक गई थी। अब शाहरुख खान के फैंस पठान के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अभिनेता के कमाल खान ने शाहरुख खान की पठान के बारे में दो ट्वीट किए हैं। शाहरुख खान की फिल्म के बारे में के ने कहा है, SRK ने पिछले 3-4 साल से कोई फिल्म नहीं की, इसीलिए मैंने सोचा कि अब वह एक शानदार कहानी लाने जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, पठान की कहानी शाहरुख खान में रा एजेंट बने हैं, जान अब्राहम रूसी माफिया है और दीपिका पादुकोण फिल्म में पुलिसकर्मी हैं। अब SRK सोच रहा है कि फिल्म हिट होगी। क्या आप गंभीर हैं अपने गले ट्वीट में अगले ट्वीट में KRK ने लिखा है। अब वो केवल फिल्म कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म युद्ध के निर्माता की आखिरी फिल्म हिट थी बिना कहानी के। लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है कि लोगों को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे शानदार नर्तकियों को देखना होगा, एक कहानी देखना नहीं चाहते। अब लोग शाहरुख खान को देखने में इंटरेस्टेड नहीं रखते, खासकर तब जब फिल्म की कहानी ही कुछ नहीं है। KRK ने एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, बस बैक बैक और वार देखी। इसके अलावा हमने कुछ अंग्रेजी एक्शन फिल्में भी देखी। इन सभी दृश्यों को आप पठान में देखेंगे। यह तय है कि यह फिल्म फ्लॉप होने वाली है। शाहरुख खान के सामने एक बड़ी समस्या है, वो ऋतिक रोशन को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। KRK ने इस ट्वीट के सामने आने वाले के बाद लोगों को काफ़ी प्रतिक्रिया आने लगी हैं। किसी ने कहा है कि कमाल और खान ने बिंदु की बात को पकड़ लिया है तो शाहरुख खान का पक्ष लिया और कहा, आप पर शर्म आ रही है, एक आदमी अपने काम को इतनी मेहनत से कर रहा है और आप इसे एक झटके में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म कबूतर के खाते में एक टिप्पणी सामने आई है, बिल्कुल आपने किस बिंदु पर मारा है। शंभु नाम का एक यूजर ने लिखा है, अब आप काम की बात करते हैं, एक उपयोगकर्ता ने फ्रंट को कस दिया है और कहा, अरे यार बताओ 5-7 इंच का राख कैसे जम जाएगा। मुन्ना नाम के यूजर ने कहा है कि बहुत अच्छा, शाहरुख खान को अब अपनी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे उन्होंने लव यू जिंदगी में डॉक्टर जहांगीर की भूमिका निभाई है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 जिसे आरंभिक SRK के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तिगत हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उनकी 1999 की फिल्म बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 14 फिल्मफेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है। पुरस्कार, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है और फ्रांस सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। एड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्रेस एंड द लीजन ऑफ ऑनर एशिया की दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा में खान का एक महत्वपूर्ण अनुयायी है। दर्शकों के आकार और आय के मामले में उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्मी सितारों में एक के रूप में वर्णित किया गया है। खान ने 1980 के दशक के अंत में कई टेलीविज़न श्रृंखलाओं में अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993 में, डर 1993 में और अंजाम 1994 में फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में, दिल तो पागल है 1997 में, कुछ कुछ होता है 1998,
मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वो प्रमुखता से उभरे। 2001 एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। देवदास 2002 स्वदेश में नासा के वैज्ञानिक 2004 चक दे में हॉकी कोच भारत 2007 और माई नेम इज खान 2010 में एस्पायर सिंड्रोम वाला एक व्यक्ति उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013 हैप्पी न्यू ईयर 2014 दिलवाले 2015 और आई क्राइम फिल्म राइस 2017 फिल्म शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदायों या लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। 2015 तक खान मोशनल पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उनकी सहायक कंपनियों के सह अध्यक्ष हैं और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम टिनबागो नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं। वो लगातार टेलीविजन प्रस्तोता और स्टेज शो कलाकार हैं। उनको कई समर्थन और उद्यमपति उपक्रमों के कारण मीडिया अक्सर उन्हें ब्रांड SRK के रूप में लेबल करता है। खान के परोपकारी प्रयासों ने स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत प्रदान की और उन्हें बच्चों की शिक्षा और विश्व आर्थिक मंच के समर्थन के लिए 2011 में यूनेस्को के पिरामिडिक कान मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने वाले उन्हें उनके नेतृत्व के लिए 2018 में क्रिस्टल अवार्ड वह नियमित रूप से भारतीय संस्कृति के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होते हैं और 2008 में न्यूजिक ने उन्हें दुनिया के सबसे अपने 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक का नाम दिया है। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए जहां उनके नाना इम्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के रूप में अभियंता के रूप में कार्य किया था। खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने अब्दुल गफ्फार खान जिसे बच्चा खान या फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था उनके नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन खुदाई खिदमतगार के साथ अभियान चलाया गया था। गांधी जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की मांग की मीर अब्दुल गफ्फार खान ने अनुयायी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध 2010 तक खान का पैतृक परिवार अभी भी पेशेवर के किस्सा ख्वानी बाजार के शाह वाली कताल इलाके में रह रहा है। मीर भारत के विभाजन के बाद 1948 में नई दिल्ली चले गए थे। खान की माँ लतीफ फातिमा एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थी। उनके पिता की शादी 1959 में हुई थी। खान ने ट्विटर पर खुद को आधा हैदराबादी माँ आधा पठान बताया। पिता और कुछ कश्मीरी दादी पेशेवर का दावा है कि परिवार हिंद को बोलता है और मूल रूप से कश्मीरी से इस दावे का खंडन करता है कि उसके दादा अफगानिस्तान से थे। खान ने नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता के पास एक रेस्तरां सहित कई व्यावसायिक उद्यम थे और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता था। खान ने मध्य दिल्ली में सेंट कोलंबा स्कूल में भाग लिया जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। शुरू में खान खेल में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते थे हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में कंधे की चोट के कारण वो अब खेल नहीं सकते थे। इसके बजाय अपनी युवा अवस्था में उन्होंने मंच नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल के लिए प्रशंसा प्राप्त की जिनमें से उनके पसंदीदा दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। उनके बचपन के दोस्त और अभिनय भागीदारी में से एक अमृता सिंह थी जो बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। खान ने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज 1985-1988 में दाखिला लिया लेकिन अपना अधिकांश समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG में बिताया जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी की सलाह के तहत
अभिनय का अध्ययन किया। जैन हंसराज के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपने शुरुआती करियर के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी भाग लिया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ की 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख जन्म 1960 उदास अवस्था में आ गई और खान ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शहनाज अपने भाई और उनके परिवार के साथ उनके घर में रहती थी, है मुंबई हवेली। हालांकि खान को जन्म का नाम शाहरुख खान दिया गया था, लेकिन वो अपना नाम शाहरुख खान के रूप में लिखा जाना पसंद करते हैं और आमतौर पर इसे आरंभिक SRK द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन्होंने 6 साल की प्रेम लाप के बाद 25 अक्टूबर 1991 को एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में पंजाबी हिंदू गौरी छिब्बर से शादी की। उनका एक बेटा आर्यन जन्म 1997 और एक बेटी सुहाना जन्म 2013 में वे एक तीसरे बच्चे के माता पिता बने। अब राम नाम का एक बेटा जो एक सरोगेट माँ के मध्य में पैदा हुआ था। उनके दोनों बड़े बच्चों ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने में रुचि व्यक्त की है। खान ने कहा कि आर्यन, जिन्होंने कैलिफोर्निया में USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया है, एक लेखन निर्देशन बनने की इच्छा रखते हैं, जबकि सुहाना, जिन्होंने खान की फिल्म जीरो 2018 के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है, उच्च शिक्षा के लिए NYU किटिस स्कूल ऑफ आर्ट्स में नाटक और अभिनय का अध्ययन किया है। सुहाना ने नवंबर 2019 में द ग्रेट ऑफ ब्लू खान के अनुसार, जबकि वह इस्लाम में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वो अपनी पत्नी के धर्म को भी महत्व देते हैं, उनके बच्चे धर्मों का पालन करते हैं, उनके घर पर कुरान हिंदू देवताओं के बगल में स्थित है। अगर इनके अभिनय और इनके करियर की बात करें तो 1988-1992 में टेलीविज़न और फिल्म में डेब्यू किया। खान की पहली अभिनीत भूमिका लेखा टंडन की टेलीविज़न श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी और टेलीविज़न की शुरुआत में बन गई। श्रृंखला में जिसमें सेना के कैंडिडेट के प्रशिक्षण पर एक यथार्थवादी, इसने अजीज मिर्जा की टेलीविज़न श्रृंखला सर्कस 1989-90 और मणि कौल की लघु श्रृंखला इडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज की है। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिकाएं भी निभाई हैं। 1989 और वागले की दुनिया 1988-90 और अंग्रेजी भाषा को टेलीविज़न फिल्म्स इन विच एनी गिव्स इट देश ओन्स 1989 में, इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय की शैली की तुलना फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से की है, लेकिन खान को उस समय फिल्म अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये सोचकर कि वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने फैसले को बदल दिया। इससे अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत दुख से बचने के तरीके के रूप में उद्धत किया। वो बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्दी ही उन्हें 4 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया था। उनका पहला प्रस्ताव हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म दिल आसाना है के लिए और जून तक उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। उनकी पहली फिल्म दीवाना में थी, जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर के बाद दूसरे पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म पुरस्कार अर्जित किया। 1992 में रिलीज हुई खान की पहली फिल्म पुरुष प्रधान चमत्कार दिल आसगाना है और
कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन थी, जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनके कई सहयोगियों में से पहली थी। उनकी प्रारंभिक फिल्मी भूमिकाओं में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अनवर रे के अनुसार खान ने एक नए प्रकार का अभिनय किया, क्योंकि वो बर्फ के एक स्लैब पर सीढ़ियों से नीचे फिसल रहा था, गाड़ी का पहिया चल रहा था, बाजी मार रहा था, होंठ कांप रहे थे, आंखें कांप रही थी, स्क्रीन पर एक तरह की शारीरिक ऊर्जा ला रहे थे। अंत तीव्र उन्मत्त एक पल और चतुराई से अगले का बचकानापन। 1993 और 1994 में एंट्री हीरो। 1993 अपनी रिलीज में खान बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली, बाजीगर में एक हत्यारा और डर में एक जुनूनी प्रेमी। बाजीगर, जिसमें खान ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई है, भारतीय दर्शकों को मानक बॉलीवुड फार्मूले के अप्रत्यक्ष उल्लंघन से चौंका दिया। द कैब्रिज कैनोफोनियन द ट्रू मॉडर्न इंडियन कल्चर में सोनल खुल्लर ने चरित्र को द कंप्यूजमेंट एंट्री हीरो कहा है। बाजीगर में उनका समर्थन, जो अभिनेत्री काजोल के साथ उनकी कई प्रस्तुतियों में पहला होगा, ने खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2003 में हिंदी सिनेमा के विश्वकोश ने कहा कि खान ने इन दोनों फिल्मों में पारंपरिक नायक की छवि को धता बता दिया और संशोधनवादी नायक का अपना संस्करण बनाया। डर ने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और उनकी कंपनी यशराज फिल्म्स के खान के कई सहयोगियों में पहला चिन्हित किया गया था। खान का हकलाना और आई लव यू का किरण क्वेंस का प्रयोग दर्शकों के बीच लोकप्रिय था। द इंडियन इक्वेंस की मालिनी मन्नत ने तर्क किया कि वो एक नकारात्मक भूमिका में अभिनय के समान के साथ दूसरे चले जाते हैं। डर के लिए उन्हें के लिए नामांकन मिला एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार, जिसे सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सर के लिए परेश रावल से हार गए। इसके अलावा 1993 में खान ने माया मेम साहब में दीपा शाही के साथ एक नग्न दृश्य का प्रदर्शन किया। हालांकि इसके कुछ हिस्सों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेंसर किया गया था। आगामी विवाद ने उन्हें भविष्य की भूमिकाओं में ऐसे दृश्यों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 1994 में खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी और सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक प्रेमग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकार किया और उनकी पसंदीदा भूमिका की। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड और 2014 की पूर्वव्यापी समीक्षा की। Redmi.com की सुकन्या वर्मा ने उन्हें खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर, बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करने वाला कहा। अंजाम में एक जुनूनी प्रेमी के रूप में अपनी सह अभिनीत भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। माधुरी दीक्षित उस समय हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक प्रमुख व्यक्ति के करियर के लिए विरोधी भूमिकाएं निभाना जोखिम भरा माना जाता था। अर्बन ने रे ने बाद में खान को पागल, जोखिम लेने और लिफाफे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे पात्रों को चुनने का श्रेय दिया जिसके माध्यम से उन्होंने अपना करियर स्थापित किया। निर्देशक मुकुल एस आनंद ने उस समय उन्हें उद्योग का नया चेहरा कहा। खान ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से पहली राकेश रोशन की मेलोड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन थी। सलमान खान और काजोल की सह कलाकार यह भारत में साल की दूसरी लंबे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उस वर्ष उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रोमांस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने एक युवा अनिवासी भारतीय NRI की भूमिका निभाई है, जिसमें काजोल के चरित्र से प्यार हो जाता है। खान शुरू में एक प्रेमी की भूमिका निभाने के लिए मितभाषी थे, लेकिन फिल्म को उन्हें रोमांटिक नायक के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचकों और जनता द्वारा दोनों
भी सराहना की गई थी। ये भारत और विदेशों में वर्षों का सबसे अधिक कमाई करने वाली उत्पादन बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। 1.22 मिलियन US 16 से अधिक की कमाई के साथ मिलियन दुनिया भर में यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। 2015 की शुरुआत में 1000 से अधिक हफ्तों के बाद मुंबई मराठा मंदिर थिएटर में प्रदर्शित हो रहा है। फिल्म ने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें खान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी शामिल है। निर्देशक और आलोचक राजा सेनन ने कहा है, खान एक शानदार प्रदर्शन देते हैं। 1990 के दशक के लिए प्रेमी को फिर से परिभाषित करते हुए अनायास गैर अभिनय के रूप में सामने आने के लिए 1996 में खान की सभी 4 रिलीज समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। आदित्य पांचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनय भूमिका में उन्हें वह वाही दिलाई जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पठान मूवी की रिलीज की तारीख बॉलीवुड के बादशाह और एक रोमांचक एक्शन थ्रिलर प्रोजेक्ट पठान के साथ वापस आ गए हैं। हाउडी एस एक और बड़ी हिट देने के लिए किंग खान को यशराज स्टूडियो के बाहर देखा गया है। आखिरी बार इस अभिनेता को 2018 में आई फिल्म एरो जीरो में देखा गया था। इसके बाद भी जी हाँ, सभी खान फैंस शाहरुख खान की फिल्म देखने के इंतजार कर रहे हैं। प्रशंसक अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि पठान कब रिलीज होगी, क्योंकि कई लोगों ने यशराज स्टूडियो के बाहर अभिनेता की उपस्थिति देखी है। क्या आप पठान फिल्म की रिलीज की तारीख जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं? पेज के साथ बने रहिए और अभिनेता को आगामी फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। आइए देखिए पठान मूवी कास्ट, पठान और डायरेक्टर, पठान मूवी स्टोरी, पठान मूवी ट्रेलर और पठान मूवी रिलीज डेट। पठान मूवी रिलीज डेट किंग खान को बड़े पर्दे पर देखने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका एक्शन, रोमांस और आकर्षण छूट गया है, क्योंकि सभी को उनकी फिल्म का इंतजार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और उनकी लेटेस्ट अपीयर्स जरूर है। क्या आप पठान मूवी की रिलीज डेट रिलीज कर सकते हैं? क्या आप अपनी पसंदीदा सुपरस्टार फिल्म पठान की रिलीज की तारीख जानने के इच्छुक हैं? हम पठान फिल्म की रिलीज की तारीख की खबर लेकर आए हैं। पठान के 2021 में बड़े पर्दे पर आने वाली है उम्मीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म दिवाली 2021 में रिलीज होगी। पठान फिल्म के निर्देशक का नाम, जैसे कि हम पठान फिल्म की रिलीज की तारीख के बारे में जानते हैं, आइए जानें फिल्म निर्देशक, कलाकार और कहानी। फिल्म का निर्माण यशराज स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है और इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे, जिन्होंने सुपरहिट वार का एक्शन किया है। फिल्म का नाम पठान। हम एक स्टार कास्ट को लेकर आए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार हैं। यह बताया गया है कि दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम बाद की तारीखों में शूटिंग करेंगे। हम निश्चित रूप से 3 सुपर टैलेंट सितारों से हिट की उम्मीद कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शाहरुख खान नायक की भूमिका निभाएंगे, जबकि जॉन अब्राहम एक खलनायक की भूमिका निभाएंगे। दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ नायिका की भूमिका निभाई है। सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बॉलीवुड बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापस आएंगे, जो YRF प्रोजेक्ट 50 का हिस्सा होगा, जिसका शीर्ष सिद्धार्थ आनंद निर्देशित पठान मोधा होगा। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को बड़े पैमाने पर और एक्शन से भरपूर सीक्वेंस पर अंजाम दिया जाएगा, जिसमें शाहरुख खान की बड़ी भूमिका निभाएंगे। शाहरुख खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो नवंबर में फ्लोर पर होंगी। इसके अलावा उनका विज्ञान कथा रोमांस SRO SRK 2018 में रिलीज हुआ एक लंबा रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं। राजकुमार हिरानी, सामाजिक नाटक बॉलीवुड के बादशाह पर काम करना पड़ा, क्योंकि यह स्क्रिप्ट आगे बढ़कर इसलिए 2022 की दूसरी छमाही के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि बॉलीवुड हंगामा ने कहा है कि इसी कारण अब उन्हें 2021 के अंत में होने वाली तारीखों के लिए अपनी तिथियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पठान टीजर, शाहरुख खान नई मूवी 2020, पहल एटली अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान ड्वैप मूवी पठान, शाहरुख खान ट्रेजर पठान 2020, पठान दिसंबर 2020, आनंद एल राय ड्वैप प्रोजेक्ट, शाहरुख
के न्यू मूवी 2020 ट्रेलर इटली RSR के ट्रेलर पठान फर्स्ट लुक ट्रेजर पठान एक आगामी बॉलीवुड फिल्म है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान वार फेम सिद्धांत आनंद के निर्देशन में बनी एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। यशराज फिल्म का प्रोजेक्ट इसमें दीपिका पादुकोण फीमेल लीड हो सकती हैं। फिल्म का नाम पठान है। अगले महीने स्टूडियो की 50 वर्षीय गांठ पर आदित्य चोपड़ा द्वारा पठान की रिलीज की तारीख 2 अक्टूबर 2021 को घोषित करने की उम्मीद है। कुछ दिनों तक सुर्खियों से बाहर रहने के बाद शाहरुख खान की पठान एक बार फिर चर्चा में है। यह फिल्म पर एक रोमांचक अपडेट है क्योंकि यह कल से फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। नीचे आपको फिल्म के बारे में फिर शुरू होने के बारे में जानने की ज़रूरत है। शाहरुख खान का एक्शन ब्रेक पर था और कल से शूटिंग फिर से शुरू होगी। इस कार्यक्रम के बाद टीम भारत से बाहर जाएगी। ये सोशल सितंबर के अंत में यूरोप में फिल्माया जाएगा। पठान के एक करीबी सूत्र ने साझा किया, यूरोप के लिए एक शूटिंग शेड्यूल की योजना है लेकिन तारीखें अभी तय नहीं हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के विपरीत अफगानिस्तान कभी भी फिल्म के लिए स्थानों की सूची में नहीं था। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अधिक विशेष रूप से बोलते हुए फिल्म को इस सस्पेंस की राजधानी मैड्रिड में शूट करने की योजना बनाई गई थी। बता दें कि पठान के दुबई शेड्यूल की शूटिंग मुंबई के शेड्यूल के बाद ही हो चुकी है। शाहरुख खान ने फिल्म को हरी झंडी दिखाई है जिसके बाद सलमान खान ने अपने कैमियों के लिए शूटिंग की है। पिछले शेड्यूल में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण टीम में शामिल हुए थे। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म को यशराज फिल्म का समर्थन प्राप्त है। यह अस्थायी रूप से ईद 2022 की रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। इस बीच सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी के साथ फिल्म के क्रॉस ओवर को देखने के लिए फिल्म प्रेमी सुपर उत्साहित हैं। हमने सुना है कि इसमें वार के साथ एक क्रॉस ओवर भी होगा। कैसे खैर आशुतोष राणा उर्फ वार के कर्नल सुनील लूथरा के जरिए एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पठान के निर्माता आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद आशुतोष को आने वाली जासूसी फिल्म रा के संयुक्त सचिव के रूप में अपनी भूमिका को फिर से करने का विचार लेकर आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया कि राणा ने कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है। भारत में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। स्टाफ बॉय की एक रिपोर्ट की माने तो फीस बढ़ाकर शाहरुख खान ने इस मामले में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे एक्टर्स को भी पछाड़ दिया है। हालांकि फीस को लेकर ना तो शाहरुख खान और ना ही फिल्म मेकर्स की ओर किसी तरह कोई ऐलान किया गया है। ऐसे में इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने काफ़ी मेहनत भी की है। बताया जा रहा है कि पठान के लिए शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा के सामने एक ज़बरदस्त एक्शन सीन शूट किया है। बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने भी अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान भी धमाकेदार कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। इसकी शूटिंग मुंबई, दुबई और अन्य कई विदेशी लोकेशन पर भी हुई है। लाइनों में किंग खान की वापसी का ऐलान कर दिया है। जॉन अब्राहम ने कहा है, हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर इसके पास इनमें से कुछ नहीं था। दीपिका पादुकोण ने कहा, यहां तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाली भी नहीं थी, अगर वो कुछ था तो बस यही ये देश इंडिया है। इन दिनों दोनों के बाद टीजर में फिर सुनाई देती है शाहरुख खान की आवाज़, जिसमें किंग खान कहते हैं कि तो उसमें अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया है और देश की रक्षा को ही अपना कर्म, और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते हैं। लेकिन यह नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मिलते हैं पठान से। इस ट्रेजर के साथ शाहरुख खान ने अपनी दमदार वापसी की एक झलक तो दिखा दी। तारीख का जब सिनेमाई घरों में शाहरुख खान के वापसी के परचम फिर लहराते नजर आएंगे, 25 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में तहलका मचाती दिखाई देगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पठान में देखा जाने वाला है। किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बॉलीवुड को मेगा बजट फिल्मों में से एक होने वाली है। शाहरुख खान को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए देखा जाएगा।
मुंबई में ओमिक्रॉन और COC ID-19 के मामलों में गिरावट के साथ पठान टाइगर 3 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शहर में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। एक विश्वसनीय स्रोत से सीखा है शाहरुख खान, खान जल्द ही अपना फिल्म पठान की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए सेट पर लौटेंगे, जिसमें फीचर भी दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे। सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख खान अगले 2 महीनों में पठान को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी स्थान की शूटिंग भी है और फिर निर्देशक एटली के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग के फिर से शुरू करने जा रहे हैं, जो अब लंबे समय से लंबित है। खान राजकुमार हिरानी की एक फिल्म भी है जिसे वो इस साल शुरू करना चाहते हैं। ये फिल्म कथित तौर पर प्रदर्शित होगी तापसी पन्नू, लेकिन अभिनेत्री ने अभी तक इस विकास की पुष्टि नहीं की है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग मामले और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में फंसने के बाद शाहरुख ने अपनी फिल्मों और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं की शूटिंग बंद कर दी थी। हाल ही में खान को उन ब्रांड के नए विज्ञापनों में देखा गया जिनका उन्होंने वर्षों से समर्थन किया है, और सूत्रों का मानना है कि वो जल्द ही अपनी फिल्म की शूटिंग में भी लौट आएंगे। पठान मूवी एक आगामी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान खान भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में बुर्ज खलीफा पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाएगा। शाहरुख खान ने पठान के लिए चार्ज की इतनी मोटी फीस अक्षय कुमार और सलमान खान को भी पछाड़ा है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धमाकेदार फाइट सीन्स के कई वीडियोज भी लीक हो चुके हैं। वहीं आए दिन इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में पठान में शाहरुख खान की फीस को लेकर हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान ने इतनी तगड़ी फीस चार्ज की है कि वो बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट अभी से ही देखने को मिल रही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके कई फैन क्लब इस फिल्म से जुड़े चौंकाने वाले दावे करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि फिल्म पठान में शाहरुख खान ने फीस के तौर पर 100 करोड़ चार्ज किए हैं, जिसके बाद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। स्टाफ बॉय की एक रिपोर्ट की माने तो फीस बढ़ाकर शाहरुख खान ने इस मामले में अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे एक्टर्स को भी पछाड़ दिया है। हालांकि फीस को लेकर ना तो शाहरुख खान और ना ही फिल्म मेकर्स की ओर किसी तरह कोई ऐलान किया गया है। ऐसे में इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने काफ़ी मेहनत भी की है। बताया जा रहा है कि पठान के लिए शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा के सामने एक जबरदस्त एक्शन सीन शूट किया है। बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान भी धमाकेदार कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। इसकी शूटिंग मुंबई, दुबई और अन्य कई विदेशी लोकेशन पर भी हुई है। नए OTT ऐप SRK+ के लिए इसी के साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अनाउंसमेंट पर कयास लगा रहे यूजर्स का अंदाज़ा भी यही साबित हो गया है। शाहरुख खान की स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके चाहने वाले शाहरुख खान को वापस पर्दे पर देखने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे एक्टर के एक रेड का भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं। खैर, अब शाहरुख खान फिल्म पठान से कम बैक करने को तैयार हैं। फिल्म से उनका पहला लुक सामने आ चुका है। पठान के अलावा शाहरुख खान अपने फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, शाहरुख खान ने अपनी लेटेस्ट ट्वीट में इस तोहफे का हिट दिया है। SRS+ किंग कमिंग सून पोस्टर के साथ शाहरुख खान ने लिखा है, कुछ होने वाला है OTT की दुनिया में। इससे पहले कि शाहरुख खान अपने इस सरप्राइज का
खुलासा करते। सलमान खान ने उन्हें बधाई देते हुए शाहरुख खान के नए OTT चैनल का राज खोल दिया है। सलमान खान ने शाहरुख खान को बधाई देते हुए लिखा है कि आज की पार्टी तेरी तरफ से नहीं OTT FSRK+ की तरफ से। इसके साथ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के अलाउंसमेंट पर कयास लगाए रहे यूजर का अंदाज़ा सही साबित हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म शुरू कर दी है। जैसा कि उनकी आने वाली फिल्म का नाम सुनाया गया है, पठान को दीपिका पादुकोण फिल्म में देखा जा सकता है, जिन्होंने अतीत में शाहरुख खान के साथ कई फिल्में की हैं और दीपिका पादुकोण ने भी अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की शाहरुख खान से ही किया। शाहरुख खान की पहली फिल्म जीरो, जहां शाहरुख खान को अनुष्का शर्मा के साथ देखा गया था, वो बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई नहीं कर सकी। शाहरुख खान के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है जब वह उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से देखेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द ही अपनी बहुचर्चित फिल्म पठान के साथ आने वाले हैं। शाहरुख खान को आखिरी बार जीरो में देखा गया था तो इससे पहले शाहरुख खान जब हैरी मैन सीजनल में नज़र आए थे। साल 2018 में फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिए हैं। बीच में कोरोना के कारण शाहरुख खान की फिल्म का भी अटक गई थी। अब शाहरुख खान के फैंस पठान के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अभिनेता KRK कमाल खान ने शाहरुख खान की पठान के बारे में दो ट्वीट किए हैं। शाहरुख खान की फिल्म के बारे में KRK ने कहा है, SRK ने पिछले 3-4 साल से कोई फिल्म नहीं की, इसीलिए मैंने सोचा कि अब वह एक शानदार कहानी लाने जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, पठान की कहानी शाहरुख खान में रा एजेंट बने हैं, जान अब्राहम रूसी माफिया है और दीपिका पादुकोण फिल्म में पुलिसकर्मी हैं। अब SRK सोच रहा है कि फिल्म हिट होगी। क्या आप गंभीर हैं? क्या आप गंभीर हैं? अपने अगले ट्वीट में KRK ने लिखा है, अब वो केवल फिल्म कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म युद्ध के निर्माता की आखिरी फिल्म हिट थी बिना कहानी के। लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है कि लोगों को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे शानदार नर्तकियों को देखना होगा, एक कहानी देखना नहीं चाहते। अब लोग शाहरुख खान को देखने में इंटरेस्टेड नहीं रखते, खासकर तब जब फिल्म की कहानी ही कुछ नहीं है। KRK ने एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, बस बैक और वार देखी, इसके अलावा हमने कुछ अंग्रेजी एक्शन फिल्में भी देखी। इन सभी दृश्यों को आप पठान में देखेंगे। यह तय है कि यह फिल्म फ्लॉप होने वाली है। शाहरुख खान के सामने एक बड़ी समस्या है, वो ऋतिक रोशन को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। KRK ने इस ट्वीट के सामने आने वाले के बाद लोगों को काफ़ी प्रतिक्रिया आने लगी हैं। किसी ने कहा है कि कमाल और खान ने बिंदु की बात को पकड़ लिया है, तो शाहरुख खान का पक्ष लिया और कहा, आप पर शर्म आ रही है, एक आदमी अपने काम को इतनी मेहनत से कर रहा है और आप इसे एक झटके में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म कबूतर के खाते में एक टिप्पणी सामने आई है, बिल्कुल आपने किस बिंदु पर मारा है। शंभु नाम का एक यूजर ने लिखा है, अब आप काम की बात करते हैं, एक उपयोगकर्ता ने फ्रंट को कस दिया है और कहा, अरे यार बताओ 5-7 इंच का राग कैसे जम जाएगा। मुन्ना नाम के यूजर ने कहा है कि बहुत अच्छा, शाहरुख खान को अब अपनी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे उन्होंने लव यू जिंदगी में डॉक्टर जहांगीर की भूमिका निभाई है। सलमान खान ने शाहरुख खान को बधाई देते हुए लिखा है, आज की पार्टी तेरी तरफ से। खान का जन्म 2 नवंबर 1965 जिसे आरंभिक SRK के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तिगत हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उनकी 1999 की फिल्म बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित
उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 14 फिल्मफेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है। पुरस्कार भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है और फ्रांस सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। आड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्रेस एंड द लीजन ऑफ ऑनर एशिया की दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा में खान का एक महत्वपूर्ण अनुयायी है। दर्शकों के आकार और आय के मामले में उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्मी सितारों में एक के रूप में वर्णित किया गया है। खान ने 1980 के दशक के अंत में कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993 में, डर 1993 में और अंजाम 1994 में फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में, दिल तो पागल है 1997 में, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वो प्रमुखता से उभरे। 2001 एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। देवदास 2002, स्वदेश में नासा के वैज्ञानिक 2004, चक दे में हॉकी कोच भारत 2007 और माई नेम इज खान 2010 में एस्पायर सिंड्रोम वाला एक व्यक्ति उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और आई क्राइम फिल्म राइस 2017 फिल्म शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदायों या लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। 2015 तक खान मोशनल पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उनकी सहायक कंपनियों के सह अध्यक्ष हैं और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम टिनबागो नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं। वो लगातार टेलीविजन प्रस्तोता और स्टेज शो कलाकार हैं। उनको कई समर्थन और उद्यमपति उपक्रमों के कारण मीडिया अक्सर उन्हें ब्रांड RSRK के रूप में लेबल करता है। खान के परोपकारी प्रयासों ने स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत प्रदान की और उन्हें बच्चों की शिक्षा और विश्व आर्थिक मंच के समर्थन के लिए 2011 में यूनेस्को के पिरामिडिक कान मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने वाले उन्हें उनके नेतृत्व के लिए 2018 में क्रिस्टल अवार्ड, वो नियमित रूप से भारतीय संस्कृति के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होते हैं और 2008 में न्यूजिक ने उन्हें दुनिया के सबसे अपने 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक का नाम दिया है। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए जहां उनके नाना इम्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के रूप में अभियंता के रूप में कार्य किया था। खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बच्चा खान या फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था, उनके नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन खुदाई खिदमतगार के साथ अभियान चलाया गया था। गांधी, जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की मांग की, मीर अब्दुल गफ्फार खान ने अनुयायी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध। 2010 तक खान का पैतृक परिवार अभी भी पेशेवर के किस्सा ख्वानी बाजार के शाह वाली कताल इलाके में रह रहा है। मीर भारत के विभाजन के बाद 1948 में नई दिल्ली चले गए थे। खान की मां लतीफ फातिमा एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थी। उनके पिता की शादी 1959 में हुई थी। खान ने ट्विटर पर खुद को आधा हैदराबादी मां आधा पठान बताया। पिता और कुछ कश्मीरी दादी, पेशेवर का दावा है कि परिवार हिंद को बोलता है और मूल रूप से कश्मीरी से इस दावे का खंडन करता है कि उसके दादा अफगानिस्तान से थे। खान ने नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता के पास एक रेंस्तारा सहित
कई व्यवसायिक उद्यम थे और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता था। खान ने मध्य दिल्ली में सेंट कोलंबा स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। शुरू में खान खेल में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते थे, हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में कंधे की चोट के कारण वो अब खेल नहीं सकते थे। इसके बजाय अपनी युवा अवस्था में उन्होंने मंच नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जिनमें से उनके पसंदीदा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। उनके बचपन के दोस्त और अभिनय भागीदारी में से एक अमृता सिंह थी, जो बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। खान ने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज 1985-1988 में दाखिला लिया, लेकिन अपना अधिकांश समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG में बिताया, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी की सलाह के तहत अभिनय का अध्ययन किया। जान हंसराज के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपने शुरुआती करियर के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी भाग लिया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ की 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख, जन्म 1960, उदास अवस्था में आ गई और खान ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शहनाज अपने भाई और उनके परिवार के साथ उनके घर में रहती थी, है मुंबई हवेली। हालांकि खान को जन्म का नाम शाहरुख खान दिया गया था, लेकिन वो अपना नाम शाहरुख खान के रूप में लिखा जाना पसंद करते हैं और आमतौर पर इसे आरंभिक SRK द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन्होंने 6 साल की प्रेम लाभ के बाद 25 अक्टूबर 1991 को एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में पंजाबी हिंदू गौरी छिब्बर से शादी की। उनका एक बेटा आर्यन, जन्म 1997 और एक बेटी सुहाना, जन्म 2013 में वे एक तीसरे बच्चे के माता पिता बने। अबराम नाम का एक बेटा जो माँ के मध्य में पैदा हुआ था। उनके दोनों बड़े बच्चों ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने में रुचि व्यक्त की है। खान ने कहा कि आर्यन, जिन्होंने कैलिफोर्निया में USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया है, एक लेखन निर्देशन बनने की इच्छा रखते हैं, जबकि सुहाना, जिन्होंने खान की फिल्म जीरो 2018 के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है, उच्च शिक्षा के लिए NYU की टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में नाटक और अभिनय का अध्ययन किया है। सुहाना ने नवंबर 2019 में द ग्रेट ऑफ ब्लू खान के अनुसार, जबकि वह इस्लाम में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वो अपनी पत्नी के धर्म को भी महत्व देते हैं, उनके बच्चे धर्मों का पालन करते हैं, उनके घर पर कुरान हिंदू देवताओं के बगल में स्थित है। अगर इनके अभिनय और इनके करियर की बात करें तो 1988-1992 में टेलीविज़न और फिल्म में डेब्यू किया। खान की पहली अभिनीत भूमिका लेखा टंडन की टेलीविज़न शंखरा दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी और टेलीविज़न की शुरुआत में बन गई। श्रृंखला में जिसमें सेना के कैंडिडेट के प्रशिक्षण पर एक यथार्थवादी, इसने अजीज मिर्जा की टेलीविज़न श्रृंखला सर्कस 1989-90 और मणि कौल की लघु श्रृंखला इडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज की है। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिकाएं भी निभाई हैं। 1989 और वागले की दुनिया 1988-90 और अंग्रेजी भाषा को टेलीविज़न फिल्म्स इन विच एनी गिव्स इट देश ओन्स 1989 में। इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय की शैली की तुलना फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से की है, लेकिन खान को उस समय फिल्म अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह सोचकर कि वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। खान ने अप्रैल 1991 में
फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने फैसले को बदल दिया। इससे अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत दुख से बचने के तरीके के रूप में उद्धत किया। वो बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्दी ही उन्हें 4 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया था। उनका पहला प्रस्ताव हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म दिल आसाना है के लिए, और जून तक उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। उनकी पहली फिल्म दीवाना में थी, जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर के बाद दूसरे पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म पुरस्कार अर्जित किया। 1992 में रिलीज हुई खान की पहली फिल्म पुरुष प्रधान चमत्कार दिल आसाना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन थी, जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनके कई सहयोगियों में से पहली थी। उनकी प्रारंभिक फिल्मी भूमिकाओं में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अनवर रे के अनुसार खान ने एक नए प्रकार का अभिनय किया, क्योंकि वो बर्फ के एक स्लैब पर सीढ़ियों से नीचे फिसल रहा था, गाड़ी का पहिया चल रहा था, बाजी मार रहा था, होंठ कांप रहे थे, आंखें कांप रही थी, स्क्रीन पर एक तरह की शारीरिक ऊर्जा ला रहे थे। अंत तीव्र उन्मत्त एक पल और चतुराई से अगले का बचकानापन।